इसके अंदर आपको मिलने वाली है 5.84 इंचेस की 19:9 का आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलने वाला है। इसका मतलब है 1080x2280 का पिक्सल रेशियो आपको मिलेगा। 432 PPI की आपको बहुत अच्छी इसके अंदर आपको स्क्रीन मिलने वाली है। 96% बॉडी टू स्क्रीन रेशियो है, मतलब कि डिस्प्ले तो बहुत कमाल का होने वाला है। आप जहां पर भी इस फोन को रखेंगे तो लोगों की नजरें तो पकड़ खींचने वाली है इसकी तरफ। 2.5D का कर्व ग्लास इसके अंदर आपको मिलेगा। कमाल का कैमरा इसके अंदर आपको मिलेगा। 16 MP प्लस 2 MP का आपको ड्यूल लेंस प्राइमरी आपको कैमरा मिलने वाला है 2.2 के अपर्चर के साथ, और 24 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है 2.0 अपर्चर के साथ। मतलब कमाल की सेल्फी इसमें आपको मिलने वाली है। 3D पोर्ट्रेट इफेक्ट आपको मिलेगा। फेस अनलॉक का फीचर और फिंगरप्रिंट स्कैनर तो इसमें मिलने ही वाले हैं। 4GB के इसमें आपको रैम मिलेगी और 64GB के इसमें आपको मिलेगी स्टोरेज। आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलने वाला है एंड्रॉयड का 8.0 यानी कि ओरियो आपको मिलने वाला है। किरिन का 659 का प्रोसेसर मिलेगा। 2.36 GHz की फ्रिक्वेंसी पर चलता है। 145 ग्राम का ऐसा करीब वेट होगा। दोस्तों अगर आप फोन की लुक देखेंगे तो क्या कमाल की लुक है ये, मतलब कि आप नॉच वाला फोन आप ले सकते हैं अगर 20,000 का बजट है। इसके अलावा एक वीवो का फोन और मिलता है नॉच वाला 20,000 की रेंज के नीचे, लेकिन वो आपको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। मतलब अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही कि मतलब वो फोन मैं आपको रिकमेंड करूँ। नॉच वाला फोन अगर आपको 20,000 की रेंज में लेना है तो डेफिनेटली यही है वो फोन जिसके लिए आप जा सकते हैं। अगला फोन है नोकिया का 6.1 मतलब 2018 जो एडिशन है। इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं 32GB वाला और 64GB वाला, मतलब 16,999 और 18,999 के दो मॉडल आपको मिलेंगे। और ये है वो फोन जो मैं मानता हूँ कि Redmi Note 5 Pro को एक कड़ी टक्कर देता है, क्योंकि नोकिया के ब्रांड को दोस्तों मैं काफ़ी सपोर्ट करता हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका बिल्डअप होता है। इसके अंदर आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon का 630 का प्रोसेसर, ऑक्टाकोर 2.2 GHz फ्रीक्वेंसी पर चलता है। 4GB इसके अंदर आपको रैम मिलेगी, और जैसा मैंने आपको बताया 32GB और 64GB के दो इसके अंदर आपको वेरिएंट मिलने वाले हैं। 16 MP आपको इसके अंदर मेन कैमरा मिलेगा F2.0 के अपर्चर साथ विद ZS ऑप्टिक्स, मतलब जो इसका कैमरा है वो बहुत कमाल का रहेगा। 4K में रिकॉर्डिंग ये कर सकता है। 8 MP इसमें आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा, वो भी F2.0 के अपर्चर के साथ आएगा। नोकिया की कैमरा हमेशा से कमाल के रहे हैं, और इस बात की भी श्योरिटी है कि इस बार भी ये कमाल के रहेंगे। 5.5 इंच की आपको फुल HD स्क्रीन मिलेगी IPS डिस्प्ले के साथ, जिसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन मिलने वाला है। 1920x1080 का पिक्सल रेशियो इसके अंदर रहने वाला है। 3000 mAh की अंदर आपको बैटरी मिलेगी। अच्छी बात ये है टाइप सी इसके अंदर आपको चार्जिंग मिलने वाली है, तो कंपनी का ये मानना है लगभग 30 मिनट के अंदर ही ये 50% बैटरी को चार्ज कर देगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। टाइप सी के साथ आना काफ़ी बड़े एडवांस हो गया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको बैक में मिलेगा कैमरा के ठीक नीचे, तो काफी अच्छी पोजीशनिंग की गई है फिंगरप्रिंट स्कैनर की। ओरियो के साथ आपको ये आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। दोस्तों अगर इसकी प्रोस की मैं बात करूं तो क्या प्रीमियम इसकी क्वालिटी आपको मिलने वाली है। बॉडी की 6000 सीरीज का जो एल्यूमिनियम बॉडी आपको इसमें मिलने वाली है। टाइप सी का आपको USB चार्जर मिलने वाला है जो 50% चार्ज कर देगा 30 मिनट्स के अंदर ही। बहुत अच्छी इसकी लुक्स है, और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको ड्यूल माइक दिया गया है, तो काफी अच्छी रिकॉर्डिंग इसमें हो जाएगी। डायमंड कट इसका लुक है। कॉन्स की अगर बात करूं तो इसमें आपको 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, आज के जमाने में थोड़ा सा ही खलता है। और हाइब्रिड सिम स्लॉट इसमें आपको मिलने वाला है, तो अगर आपने 2 SIM लगा लिए तो एक्स्ट्रा से आप मेमोरी कार्ड इसमें नहीं लगा पाएंगे, वैसे आप इसकी मेमोरी को 128GB तक बढ़ा सकते हैं। तीसरे अगर मैं फोन की बात करूं तो वो है Redmi Note 5 Pro। इसके अंदर आपको मिलता है Qualcomm का Snapdragon 636 1.8 GHz की फ्रिक्वेंसी के साथ Adreno 509। गेमिंग आप इसके अंदर ठीक ठाक कर सकते हैं, मतलब अच्छी गेमिंग इसमें आप कर सकते हैं। 6GB के अंदर आपको रैम मिलेगी, 64GB की स्टोरेज मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ 16,999 रुपए वाले मॉडल के बारे में। 128GB तक आप उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो आपने अगर 2 SIM लगा दिए तो आप अलग से मेमोरी कार्ड इसके अंदर नहीं लगा पाएंगे। ड्यूल आपको रियर कैमरा मिलता है 12 MP प्लस 5 MP का, और 20 MP की अंदर आपको मिलेगी सेल्फी। 4000 mAh के अंदर आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है, काफी अच्छा बैटरी बैकअप है 4000 mAh का। 5.99 इंच की फुल HD स्क्रीन मिलेगी जो कि 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो पे काम करती है। एंड्रॉइड 7.1.2 इस नोगट इसके अंदर आपको मिलेगा, जो अपग्रेड हो जाएगा शायद आने वाले टाइम में ओरियो के अंदर। 181 ग्राम का आपको इसके अंदर वेट मिलने वाला है, थोड़ा सा बल्की है। और ये फोन दोस्तों मैंने यूज किया है, वैल्यू फॉर मनी आपको देगा 16,000 में, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इसकी काफ़ी अच्छी है। रेडमी अब काफ़ी अच्छा ब्रांड बन चुका है, थोड़ा सा इसका प्राइस ऊपर हो गया, 1000 रुपये इसको बढ़ा दिया, जो कि बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए लोग स्विच कर रहे हैं आजकल दूसरे फ़ोन्स की तरफ। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, अगर आपका बजट 16,000-17,000 के बीच में है तो ये फ़ोन ज़रूर आप ले सकते हैं। दोस्तों अगले फ़ोन की बात करूँ तो वह है सैमसंग का J7 Pro। इसके अंदर आपको 13 MP का रियर कैमरा मिलता है और 13 MP का ही फ्रंट कैमरा मिलता है। और जेन्युइनली अगर मैं बताऊं, मैंने इसके कैमरा को यूज़ किया है
बहुत बहुत अच्छा कैमरा है इसका, 1.7 अपाचे के साथ इसका रियर कैमरा मिलता है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे कैमरास को ये पीछे छोड़ देगा, और एक अच्छा कैमरा अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप इस फोन के लिए जा सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपको फुल मेटल यूनिबॉडी डिजाइन मिलता है, काफी मजबूत ये फोन है। 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन इसके अंदर आपको मिलती है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इसका। सैमसंग का डिस्प्ले वैसे ही मुझे काफी पसंद आता है, अगर आप औरों से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इसकी स्क्रीन आपको ज्यादा ब्राइट नजर आएगी, ज्यादा अच्छे इसके अंदर आपको कलर्स नजर आएंगे। 3GB की इस मॉडल के अंदर आपको रैम मिलेगी और 64GB इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी। 3600mAh की बैटरी मिलेगी, साथ ही मिलेगा आपको सैमसंग पे। एक्सोनस का आपको 7870 का प्रोसेसर मिलता है जो सिमिलर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 के। दोस्तों एक बात मैं आपको सैमसंग की बैटरी के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, बैटरी बैकअप के बारे में, कि सैमसंग के फोन के अंदर काफी अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है, काफी अच्छी तरीके से रैम मैनेजमेंट होती है, प्रोसेसर के साथ ही काम करते हैं। कि नॉर्मली मैंने देखा है अगर 3600mAh की बैटरी किसी और फोन के अंदर हो, 3600mAh की बैटरी अगर सैमसंग के फोन के अंदर है, तो बैकअप नॉर्मली सैमसंग के फोन के अंदर आपको ज्यादा मिलेगा फॉर श्योर। ये कुछ फोन थे जो मैंने आपको बताया 20,000 की रेंज के अंदर। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए अभी मैंने सिर्फ 4 फोन बताए हैं, इसी का मैं एक दूसरा पार्ट जरूर लेके आऊंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो आपको मिलते रहेंगे लैपटॉप डेस्कटॉप और मोबाइल्स के बारे में या टेक अपडेट्स के बारे में। मेरा नाम है संदीप, चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।